I'm going to make one very good salad today that is called Mexican fruit salad. Dear, मैं आज क्या करने वाली हूँ friends? क्या करने वाली हूँ? आज मैं बनाने वाली हूँ Mexican fruit salad. उस salad के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले mango, mango आम, right? उसके बाद हमें कटे हुए apples चाहिए. इनके dices चाहिए हमें आप ध्यान रखें. Right? फिर हम क्या करेंगे? खरबूजा. खरबूजे के भी dices काटेंगे. Okay? मैंने यहाँ काट के रखे हैं. कीवी है. कीवी को मैंने scoop out करके, छील के, बाहर से छिलका उतार के, उसके बाद उसको dices बना के रखे हैं. फिर मेरे पास है papaya. उसके बाद आप देख रहे हैं, papaya को भी मैंने dices में काटा है. उसके बाद मैंने कुछ कीवीज ली हैं जिनको मैंने सर्कल्स में काटा है. इनके ऊपर हल्का सा मैंने नमक स्प्रिंकल किया है. इसके साथ यहाँ पे ऑरेंज के स्लाइसेस हैं, ये हम डेकोरेशन में यूज करेंगे. इसके साथ मेरे पास डेकोरेशन के लिए है अनार के दाने. हम इसको बीच में सैलेड में भी डालेंगे और इसको ऊपर से डेकोरेट भी करेंगे. इसके साथ ही हमारे पास है ऑरेंज जूस. ये आप फ्रेश जूस भी निकाल सकते हैं ऑरेंज, नहीं तो हम कैन वाला भी यूज कर सकते हैं. पर अगर आप फ्रेश निकालेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है. फिर मेरे पास थोड़े से हर्ब्स हैं. ये फ्रूट हर्ब्स हैं, फ्रूट सैलड हर्ब्स हैं, राइट? अब ये कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस सैलड में ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मेरे पास है क्या? ऑलिव्स. यू आर एग्जैक्टली राइट. देन मेरे पास हर्ब्स हैं. मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो लिया है. उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है. ये भी कौन सा ऑयल है? ऑलिव ऑयल है. याद रखें, ऑलिव ऑयल हम ऐड करेंगे बिकॉज इट इज हेल्दियर, राइट? फिर थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ऐड किया. आप लाल मिर्च ऐड करना चाहें ठीक है, नहीं तो मैंने इसको थोड़ा सा इंडियन टच दिया है. अदरवाइज आप पेपर यूज कर सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स यूज कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? एंड देन आई एम हैविंग कॉमन सॉल्ट. मेरे पास एक चुटकी नमक डालने के लिए नमक है. इसमें हम नमक बहुत कम यूज करते हैं. और इसके साथ ही मेरे पास है नींबू का रस. ये मैंने स्पेशली पहले ही स्क्वीज आउट करके रखा है ताकि मेरे को बाद में सैलेड में ऐड करने में ईज आउट रहे, राइट? अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, बाउल में डालेंगे और उसके बाद उसको टॉस करेंगे ताकि सारा नमक और हर्ब्स उसमें मिक्स हो जाए. आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, ये है कीवी. कीवी के डाइसेस हैं जो मैं कि इसमें मिक्स कर रही हूँ, राइट? इसके बाद मैं एप्पल ले रही हूँ, एप्पल के डाइसेस को मिक्स कर रही हूँ. एप्पल को बहुत ध्यान से रखना चाहिए. अगर आप पहले काट के रख रही हैं तो इसमें आप क्या डालेंगी, थोड़ा सा ऑयल डालेंगी और इसको फ्रिज में फॉइल पेपर लगा के रखेंगे, बिकॉज अदरवाइज ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर इसका वो इफेक्ट नहीं आएगा, राइट? अब मैंने इसमें खरबूजा ऐड किया है. अब इसके बाद मैं इसमें मैंगो के डाइसेस ऐड कर रही हूँ. आप देख रहे हैं कितना कलरफुल सैलड बन रहा है मेरा. मैंने इसमें रेड कलर ऐड किया, ग्रीन कलर ऐड किया, येलो कलर ऐड किया, पेल ऐड किया. आप देख रहे हैं कितना कलरफुल सैलड है. और बच्चे इसको इतना इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि उनको पपाया खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता. अब मैं पपाया ऐड कर रही हूँ, बट आप जाने, आप अगर इसमें सैलेड में ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली खाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि पपाया है या क्या है. अब थोड़े से मैं पोमीग्रेनेट डाल रही हूँ, थोड़ा सा बचाऊंगी क्योंकि मैं इसको टॉप में एंड में करने वाली हूँ, ड्रेस करने वाली हूँ अपने सैलेड को. अब इसके बाद मैं थोड़े से हर्ब्स डालूंगी इसके ऊपर. आपकी मर्जी है, अगर आप स्पून से डालना चाहें तो स्पून से डाल सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. थोड़ा सा ग्लेज करने के लिए फ्रूट्स को ऑयल डालेंगे. ऑलिव ऑयल है ये, आप ध्यान रखें, ऑलिव ऑयल इज रियली हेल्दी फॉर हेल्थ, राइट? इसके बाद मैं थोड़े से ऑरिगेनो डालूंगी. थोड़ा सा ऑरिगेनो फ्लेवर ऐड करता है. ऑरिगेनो का फ्लेवर सैलेड में बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, राइट? इसके बाद थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट, क्योंकि कॉमन सॉल्ट तो आपको पता है नमक के बिना एनर्जी नहीं आती लाइफ में. नमक हो तो ही हमें डिश अच्छी लगती है, अदरवाइज नहीं अच्छी लगती. बीच में अब हम थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस. आप देख सकते हैं मेरा सैलड कितना सुंदर लग रहा है, इट इज लुकिंग ब्यूटिफुल. अब मैं इसमें थोड़े से ऑलिव्स डालूंगी, राइट? और थोड़े से ऑलिव्स, मैं थोड़ी कंजूसी से डाल रही हूँ क्योंकि थोड़े से ऑलिव्स मैं इसको डेकोरेट करने के लिए यूज करूंगी. अब मैंने इसमें डालना है फ्रेश ऑरेंज जूस. आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा ही फ्रेश ऑरेंज जूस डाला है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी लेमन जूस ऐड कर दिया है. अब मैं इसको टॉस करूंगी. आप बहुत ध्यान से टॉस करेंगे क्योंकि मैंगो जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. आपको पता है मैंगो के डाइसेस टूटने शुरू हो जाते हैं,
बच्चों को मजा नहीं आएगा और कलरफुल नहीं लगेगी आपकी डिश। अगर आपको अपनी डिश को कलरफुल दिखाना है तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से टॉस करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे इसमें, आप इसमें अगर इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक द सॉल्ट ऑफ इट, अगर आपको लगे कि सॉल्ट कम है तो थोड़ा सा और ऐड करें, अदरवाइज इसको हम ड्रेस करेंगे। और मेरे को इस पे थोड़ा सा ऑरेंज जूस कम लग रहा था इसलिए थोड़ा सा ऑरेंज जूस और डाला है, मैंने टेस्ट नहीं किया बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सॉल्ट कम है, थोड़ी सी एनर्जी कम है, मैं थोड़ी सी एनर्जी डाल रही हूँ इसमें। अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी। मैंने ऑरेंज की स्लाइसेस काट के रखे हैं और कीवीज के मैंने पहले भी बताया था, मैंने इन पे हल्का सा सॉल्ट डाला था ताकि इनकी जो खटास है, कड़वाहट है बाद वाली, वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि बच्चों को कई बार पंजन फ्रूट पसंद नहीं होते, तो इट विल बी अ गुड चेंज फॉर देम। बड़ों के लिए भी बहुत चेंज होगा क्योंकि बड़ों को लगेगा कि वाओ फ्रूट सैलेड, कहाँ हम सिर्फ फ्रूट खा रहे थे अब सैलेड खा रहे हैं, वाओ दिस इज अ गुड चेंज। और आपको भी मजा आएगा इसको बनाने में, क्यों, क्योंकि उसके बाद आपको इतनी तारीफें मिलेंगी, लोग सारे पूछेंगे ये सैलेड आपने कहाँ से सीखा है, बहुत आसान, वही फ्रूट्स हैं, वही सब कुछ है, बट हम इनको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा ट्विस्ट करके इतना सुंदर सैलेड बना रहे हैं कि आपको इतना मजा आने वाला है ना जब आपको तारीफें मिलेंगी सबसे, राइट। आप देख रहे हैं मेरा सैलेड कितना अच्छा डेकोरेट हो गया। अब थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें ऑरेंज कलर, सारे कलर्स नजर आ रहे हैं आप उनको, रेनबो, इसको रेनबो सैलेड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें रेनबो कलर्स भी नजर आ रहे हैं हमें। ऊपर से हम पोमेग्रेनेट यानी कि अनार के दाने डालेंगे, उससे क्या होएगा, ये और सुंदर लगेगा। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी डिश आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, इट इज ब्यूटिफुल, इट्स सैलेड इज ब्यूटिफुल, राइट। ये बन गया हमारा मैक्सिकन फ्रूट सैलेड।